hello children today we are continuing class 5 maths chapter number 9 boxes and sketches in the previous video we made cubes from different cutouts if you have not watched that video i have given the link of that in description box you can click and watch this video from there now today's our first topic is floor maps फॉर मेकिंग अ हाउस अ फ्लोर मैप इज फर्स्ट मेड जब भी घर बनाना होता है तो सबसे पहले जो बनता है वो होता है फ्लोर मैप तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक फ्लोर मैप आपको गिवन है विभास हाउस ये विभा के घर का फ्लोर मैप है जहाँ की आपको विंडोज एंड डोर्स यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं कि कहाँ डोर्स हैं और कहाँ विंडोज हैं नाउ विच इज द फ्रंट साइड ऑफ हर हाउस इसके हाउस का फ्रंट साइड कौन सा है तो बच्चों फ्रंट साइड जो होता है वहां पर होता है डोर मींस घर का जो इसका फ्रंट साइड है वो ये वाला है हाउ मैनी विंडोज आर देयर ऑन द फ्रंट साइड फ्रंट साइड पर यहाँ कितनी विंडोज है तो देखिए फ्रंट साइड पर आपके यहाँ विंडोज हैं वन एंड टू मीन्स फ्रंट पर आपको यहाँ टू विंडोज नजर आ रही हैं। अब इस फ्लोर मैप को देखकर हम ये जज नहीं कर सकते कि रियल में उसका घर देखने में कैसा लगेगा तो इसके लिए हम एक स्पेशल वे ड्राइंग का चूज करते हैं जिसे कि कहते हैं डीप ड्राइंग। डीप ड्राइंग में बच्चों हमें घर की लेंथ विथ और हाइट, ये सब क्लियर यहाँ पर ड्रॉ कर दी जाती है जिससे कि हम हमें जो है घर का लुक काफ़ी हद तक पता लग जाता है कि वो बनने के बाद कैसा दिखेगा हेयर The four deep drawings of a house. अब आपको यहाँ देखकर बताना है कि इनमें से विभा का घर कौन सा है बनने के बाद विभा का घर कैसा लगेगा तो बच्चों देखिए डीप ड्राॅइंग को देखकर आप गैस कर सकते हैं कि जब डीप ड्राॅइंग में यहाँ पीछे की तरफ कट है तो सभी में कट होना चाहिए बट यहाँ पर ए जो ड्राॅइंग है यहाँ पर पीछे की तरफ कट नहीं है इट मीन्स ए यहाँ पर विभा का घर बिल्कुल भी नहीं है अब हमारे पास बात करते हैं हम बी सी और डी की तो सबसे पहले देखिए कि फ्रंट पर हमारे एक डोर है और दो विंडोज़ हैं तो यहाँ हमें सभी में फ्रंट पर डोर और विंडोज नज़र आ रही हैं अब इसके अलावा हमारे पास सेकंड जो क्ल्यू है वो ये है कि विभा के हाउस में विंडोज़ हैं लेफ्ट साइड पर तो लेफ्ट साइड पर यहाँ पर तो हाइड है हमें दिखाई ही नहीं दे रहा है और इन्होंने यहाँ पर राइट साइड पर विंडो क्रिएट की है बट विभा के डीप ड्राइंग में जो विभा का फ्लोर मैप है सॉरी वहाँ फ्लोर मैप में हमें कोई भी विंडो यहाँ शो नहीं की गई है इट मीन्स बी भी हमारा नहीं हो सकता ए भी यहाँ पर विभा का घर नहीं है और बी भी नहीं है अब हमारे पास ऑप्शन रह गए हैं सी और डी सी और डी में आप देख सकते हैं कि दोनों में ही लेफ़्ट साइड पर विंडोज़ हैं बट आप देखिए कि यहाँ पर हमारे पास जो फ्लोर मैप है वहाँ पर विंडो हमारी वॉल में थोड़ा पीछे की तरफ है जबकि यहाँ पर सेंटर में है तो हमारा डी भी आंसर नहीं हो सकता मीन्स विभाग का जो हाउस है वो कौन सा है सी चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए बच्चों यहाँ हमें एक फ्लोर मैप गिवन है और इसी के लिए एक डीप ड्राइंग बनाने के लिए कुछ यहाँ पर आउटलाइंस ड्रा की गई हैं अब हमसे कहा जा रहा है लुक एट दिस मैप ऑफ अ हाउस मेक डोर्स एंड विंडोज इन द डीप ड्राइंग ऑफ दिस हाउस इस डीप ड्राइंग में हमें फ्लोर मैप को देख करके डोर्स एंड विंडोज ड्रा करनी है तो देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि फ्रंट में हमारे हैं डोर तो सबसे पहले हम यहाँ कर देते हैं डोर को ड्रॉ इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये वाली जो वॉल है ये यहाँ पर हम नहीं जो भी है कुछ वो विंडो हम यहाँ ड्रॉ नहीं कर सकते इसी तरह से इस वाली विंडो को भी हम यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर सकते बट दीज टू विंडोज़ कैन बी ड्रॉन तो हम इन दोनों को ड्रॉ कर देते हैं हमारी इस वाली साइट पर एक आगे की तरफ है और एक पीछे की तरफ तो हम ये दोनों ही विंडो यहां पर ड्रॉ कर देते हैं तो ये तो हुआ हमारा फ्लोर मैप को देख करके डीप ड्राइंग में विंडोज और डोर्स दोर, को ड्रॉ करना आर देयर एनी विंडोज यू कुड नॉट शो ऑन द डीप ड्राइंग यहाँ क्या ऐसी कोई विंडो है जिसे कि आप डीप ड्राइंग में शो नहीं कर पा रहे हैं जो कि फ्लोर मैप में तो आपको दिख रही है तो हाँ बच्चों यहाँ पर टू ऐसी विंडोज हैं जिन्हें कि आप ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं फर्स्ट है आपकी ये वाली विंडो और सेकेंड है आपकी ये विंडो जिसे कि आप यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर सकते नाउ ट्राई टू मेक अ फ्लोर मैप ऑफ योर ओन हाउस अब आप भी अपने घर का फ्लोर मैप बनाइए नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अ डीप ड्राइंग ऑफ अ क्यूब क्यूब की अब हमें डीप ड्राइंग बनानी है तो बच्चों देखिए हमारे पास एक क्यूब है और हम उसे अगर देखें डिफरेंट एंगल से तो वो किस तरह से दिख सकता है डीप ड्राइंग आप ड्रॉ कर रहे हैं मीन्स आप उसे कुछ ऐसे देख सकते हैं आप इसे ऐसे देख सकते हैं इसके अलावा और किसी भी तरीके से आप इसको नहीं देख सकते हाँ ऐसे आप देख सकते हैं बस इस केस में आप वो ये डीप ड्राइंग नहीं है क्योंकि यहाँ आप लेंथ और विथ शो नहीं कर रहे हैं तो ये हमारा क्यूब के लिए हमने डीप ड्राइंग यहाँ पर देख ली है अब आप गैस कर सकते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से आंसर सही हैं तो देखिए ए यहाँ पर डीप ड्राइंग नहीं है बी भी डीप ड्राइंग नहीं है क्योंकि इसका बेस देखिए आप नीचे इक्वल है सी भी नहीं है हमारा यहां पर डीप ड्राइंग है डी इसी तरह से ई e भी डीप ड्राइंग है और जी मीन्स यहां पर जो हमारे राइट आंसर हैं वो है डी ई एंड जी Which ऑफ drawings लुक करेक्ट टू यू डिस्कस तो हमने डिस्कस कर लिया है कैन यू एड सम लाइन्स टू मेक ड्राॅइंग एफ़ इन टू अ डीप ड्राॅइंग ऑफ अ क्यूब अब हमसे कहा जा रहा है कि एफ़ में कुछ लाइन्स एड करिए और इसे डीप ड्राॅइंग बना दीजिए तो आप देख सकते हैं कि एफ़ का जो टॉप है वो काफ़ी हद तक डी की तरह का है तो हम अगर ये लाइन्स ऐड कर दें तो ये डीप ड्राॅइंग बन जाएगी तो हम इन्हें ऐड कर देते हैं और इसे बना देते हैं क्यूब की डीप ड्राॅइंग और अब ये काफी हद तक एक क्यूब की डीप ड्राइंग बन गई है अब हमसे एक पजल की गई है इस पजल को आप कटआउट यहाँ से कट करिए कुछ आपका कटआउट इस तरह का दिखेगा देखिए मैंने भी यहाँ पर एक कटआउट तैयार करके रखा है तो आप भी अपना एक कटआउट लीजिए और इस पजल को सॉल्व करिए कि इनमें से कौन सी डीप ड्राइंग इस कटआउट की है इस पजल के मेरे सभी आंसर राइट हैं तो आप भी अपने आंसर चेक कर लीजिए ए इज राइट फॉर बी थ्री एंड टू दिस इज थ्री एंड दिस इज टू बट एट द टॉप देयर आर आर सिक्स सो इट इज नॉट राइट द थर्ड इज फाइव एंड टू फाइव एंड फाइव के साथ में बच्चों टू है ही नहीं तो हमारा सी भी सही नहीं है चलिए डी को चेक करते हैं वन एंड फाइव दिस इज वन एंड दिस इज फाइव एट द टॉप साइड फोर सो इट इज राइट The last one is 3 and 2. At the top side, it is 6. So, the last one is also right. So, the right answers are A, D, and E. Our next topic is matchbox play. बच्चों आप भी मैच बॉक्स से खेलते होंगे और खेलते खेलते आपने भी कई सारी डिज़ाइन्स बनाई होंगी तो ऐसे ही यहाँ पर नवीन भास्कर और प्रगति ने मैच बॉक्स से कुछ इस तरह का ब्रिज बनाया है इस ब्रिज को आप ध्यान से देखिए और अब हम करते हैं इस ब्रिज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कि अगर इस ब्रिज को टॉप साइड से देखा जाए ऊपर की ओर से तो ये कैसा दिखेगा अगर इसे साइड से देखा जाए तो ये कैसा दिखेगा तो चलिए इसके क्वेश्चन कर लेते हैं द क्वेश्चन इज इफ यू लुक एट ब्रिज फ्रॉम द टॉप इट लुक अगर आप इस ब्रिज को टॉप साइड से देखेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा चूज द राइट ड्रॉइंग बिलो यहां आपको टू ड्राॅइंग गिवन है ए एंड पी तो बच्चों आप गौर से देखिए कि जब आप इस ब्रिज को देखते हैं ऊपर से टॉप साइड से तो ये कुछ बी की तरह दिखेगा प्रैक्टिस टाइम नाउ मेक ड्राइंग टू शो हाउ दिस ब्रिज विल लुक फ्रॉम द टॉप फ्रॉम द फ्रंट फ्रॉम द साइड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे नए वीडियोस से अपडेट होने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और हाँ वीडियो को शेयर करना न भूलें थैंक यू